Very good morning, students. I am your maths teacher, and today I will teach you maths. और आज आप मैं मैथ्स आपको मैथ्स में डोजिंग टेबल्स बताऊंगी 2 to 10. डोजिंग टेबल्स बच्चों कैसी होती हैं? जो टेबल हम बीच बीच में से लिखते हैं, जैसे देखिए 2 4 जा 8 और 3 9 जा 27, 4 5 जा 20, 6 8 जा 48, 7 5 जा 35, 8 9 जा 72, 9 3 जा 27, 6 2 जा 12, 7 6 जा 42 एंड 4 8 जा 32. तो बच्चों ये तो कोई टेबल बीच बीच में से लिखी हुई हैं, इसलिए इन्हें हम डोजिंग टेबल्स कहते हैं. इसी तरह से देखिए अदर साइड में 3 7 जा 21, यहाँ आ जाएगा 21, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, 6 7 जा 42, 7 2 जा 14, 8 8 जा 64 एंड 9 6 जा 54 और 10 5 जा 50 एंड 10 8 जा 80. तो बच्चों जो टेबल देखो बीच बीच में से होती हैं उन्हें हमें पढ़कर यहाँ पे लिखना है, तो ये होती हैं डोजिंग टेबल. क्योंकि देखो ये कंटिन्यू लगातार नहीं है, ये बीच बीच में से दी हुई हैं, कभी 2 की टेबल, कभी 3 की टेबल, और देखो 2 की टेबल भी 2 4 जा, बाकी तो उसमें है ही नहीं, मतलब बीच में से दिया हुआ है, तो इन्हें कहते हैं हम डोजिंग टेबल्स. ऐसे ऐसे बच्चों आपको ये 2 to 10 तक के बीच में जो भी टेबल हैं वो दी हुई हैं, इसलिए आपको 2 to 10 तक टेबल अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, जिससे कि आप इनको अच्छी तरह से कर सको. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.